नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ पूर्व खबरों की शुरुआत करते हैं। 9 दिनों तक चलने वाला शुभ त्योहार शरद नवरात्रि पूरे देश में धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस दौरान भक्त 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। 9वां दिन यानी महानवमी देवी दुर्गा के 9वें रूप मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि देवी दुर्गा ने इस दिन राक्षस महिषासुर का निधन किया था, वध किया था, और इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। शारदीय नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विधि विधान से पूजन करने से विशेष रूप से ये फलदायी होता है। नवरात्रि का प्रत्येक दिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन 9वें दिन का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन से नवरात्रि पूजन का समापन होता है। इस दिन को महानवमी भी कहा जाता है और इसी दिन कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है। नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि के साथ की जाती है। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश बल और धन प्रदान करती हैं। तो नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की आज पूजा होती है। शारदीय नवरात्र का आज 9वां और अंतिम दिन है और आज से नवरात्रि का समापन हो जाएगा, इसीलिए आज का दिन बेहद खास भी माना जाता है। कहा जाता है सिद्धिदात्री सिद्ध और मोक्ष के लिए पूजी जाती हैं और विधि विधान से सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने से मां सिद्धिदात्री की विशेष जो फल है वो भक्तों को मिलता है। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन कन्या पूजन और हवन भी किया जाता है, जिसके बाद नवरात्रि का समापन होता है। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। लोग घरों में कन्या पूजन करते हैं, उन्हें आमंत्रित करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और 9 कन्याओं को घरों में बुलाकर उनके पांव पखारे जाते हैं और उन्हें खाना खिलाया जाता है। तो नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की विशेष पूजा का महत्व है और इस दिन भक्त मां सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं, सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज प्रदेश के कई मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। वैसे तो नवरात्रि के जो पूरे 9 दिन होते हैं वो मां दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित होते हैं और ऐसे में आज विशेष तौर पर मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिससे सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। लोग घरों में 9 कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उन्हें उपहार देते हैं। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग कन्या पूजन करते हैं, घरों में कन्याओं को आमंत्रित करते हैं। नवरात्रि की से महानवमी भी कहा जाता है क्योंकि ये नवरात्रि का 9वां दिन होता है, विशेष महत्व रखता है ये 9वां दिन, इसीलिए इसे महानवमी कहा जाता है। और इस दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति यानी देवी सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। आपको बता दें कि कहा जाता है जिस पर मां सिद्धिदात्री प्रसन्न हो जाती हैं उसे सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसीलिए इस दिन पूरे विधि विधान के साथ मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है।